Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you are fine and I hope कि आपने अपना जो previous lecture है वो अच्छे से learn किया होगा. Students, in the previous lecture we discussed about the symbols and valency. ठीक है, in our today's topic we will further continue the topic elements. Table 1.2 का discuss करेंगे. इसमें क्या given है आपको, some elements and radicals with their symbols and common valencies. ठीक है, एलिमेंट्स और रेडिकल्स की हमने सिंबल देखने हैं और उनकी वैलेंसीज देखनी है. एलिमेंट्स की डेफिनेशन रिकॉल करने क्या थी, सब्सटेंसेस दैट हैव अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, उनको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय सिंपल केमिकल मीन से. रेडिकल्स क्या थे, अ ग्रुप ऑफ एटम्स है दैट हैव सम चार्ज. पहले हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं. ठीक है, सिंबल क्या है, वो एब्रीवेशंस हैं या वो लेटर्स हैं जिससे हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. और वैलेंसी क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी थी एक एटम की दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की. सोडियम है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स गिवन है, हम देखते हैं पहले सोडियम की क्या है वैलेंसी. सोडियम का सिंबल है Na और इसकी वैलेंसी है 1. ठीक है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो वो लूज कर सकता है, सो इसकी वैलेंसी है 1. सिमिलरली पोटाशियम और सिल्वर के भी आउटरमोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज कर सकते हैं, सो इनकी वैलेंसी भी क्या है, 1. उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम. आपने ये एलिमेंट के नेम, उनके सिंबल और वैलेंसी याद करनी है. मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है और जिंक. इनकी, इन चारों की वैलेंसी क्या है, 2, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज कर सकते हैं, सो इनकी क्या होगी वैलेंसी, 2. अब इसके बाद देखें, कॉपर है, मरकरी HG और आयरन, इसके साथ 2 वैलेंसी लिखी है, 1, 2. मरकरी की भी 1, 2 और आयरन की 2, 3. इसका मतलब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इन्होंने मोर देन 1 वैलेंसी शो करनी है, 2 वैलेंसीज ये शो करेंगे. इसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी. ये आगे हम फर्दर आज के लेक्चर में इसको डिस्कस भी करेंगे कि आपने एज इट इज याद करनी है कि कॉपर ने 1 वैलेंसी भी शो करनी है, 2 भी. इट मींस कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंबाइन करेगा और कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कंबाइन करेगा. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाती है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनकी क्या है, 3 है वैलेंसी, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है जो वो लूज कर देंगे. बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसकी हैं, रेडिकल्स की हैं. ठीक हो गया. अब अगर आप देखें यहां से, रेडिकल क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज. ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है. आपके जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. एग्जाम्पल अगर देखें NH4+, देखें ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है क्योंकि इसमें क्या है, 1 से ज्यादा एटम्स है, नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स है. जब ये मिलेंगे तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स और इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस, तो ये क्या हो गया, अमोनियम. ठीक है, रेडिकल की दूसरी एग्जांपल क्या है, OH नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड. H3O+ क्या है, हाइड्रोनियम. ठीक है, ये भी किससे मिला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. अब जो रेडिकल्स हैं इनकी वैलेंसी लिखना बहुत इजी है. अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है तो देखें, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, साथ में क्या है, +1. इट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1. OH नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई. H3O तो इसकी भी हो गई 1. जितना चार्ज होगा उसके ऊपर वही उसकी वैलेंसी होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसकी, देखें SO4-2, ये भी क्या है, ये एक रेडिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फेट रेडिकल. तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या था, 2, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2. ठीक है, अब ये आपने इनके नेम्स एज इट इज याद करने हैं और इनकी वैलेंसी है 1. फर्दर देखें टेबल में तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वैलेंसी है 1. ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनकी वैलेंसी है, ऑक्सीजन और सल्फर की 2 है क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है. सिमिलरली नाइट्रोजन की 3 है, फॉस्फोरस की 3 और 5 है, मीन्स ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है. बाकी यहां से कार्बोनेट से फिर क्या स्टार्ट हो रहे हैं, रेडिकल्स. आपने ये टेबल एज इट इज ही इनके सिंबल्स और वैलेंसीज याद करनी है. आज का जो आपका लेक्चर है उसमें आपने सोडियम से लेकर बाइकार्बोनेट तक इनकी वैलेंसीज याद करनी है. फर्दर आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है उनके पास, उनमें आप डेली बेसिस पे 5 5 एलिमेंट्स की जो वैलेंसी और सिंबल्स हैं वो लर्न करोगे.
नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको बताया गया है अबाउट दी वेरिएबल वैलेंसी, के वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। जैसे यहाँ पे था आयरन ने 2 और 3 की वैलेंसी शो की थी। डेफिनेशन देख लें, सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, ठीक है, एक वैलेंसी शो नहीं करते, ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि डेट इज दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। एग्जाम्पल देख लें यहां से, अगर आप समझे, आयरन की हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। आयरन, इसका लैटिन सॉरी ग्रीक नेम क्या होता है आयरन का? फेरम, ठीक है, फेरम इसका ग्रीक नेम है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से एफ ई, क्या सिंबल है? एफ ई, एफ कैपिटल ई स्मॉल, 2 और 3 इसने वैलेंसी शो करनी है। अब ये दो वैलेंसी अगर शो कर रहे हैं, वैलेंसी 2 ये कब शो करेगा? व्हेन आयरन एटम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और 3 कब शो करेगा? व्हेन इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें फेरम से हम क्या करेंगे, हम इसका फर्दर जो नेम है वो डिराइव करेंगे। जब वैलेंसी लोअर होगी तो हम उसके लिए फेरस का वर्ड यूज करेंगे, लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? ओ यू एस। और जब वैलेंसी हायर होगी, जैसे 3 हायर वैलेंसी है, तो हम उसका जो लैटिन या ग्रीक जो भी नेम होगा उसके लास्ट पे आई सी, जैसे फेरम था ना, अब यू एम को रिप्लेस करेंगे लोअर वैलेंसी के लिए ओ यू एस के साथ, तो फेरम से वो बन गया फेरस। हायर वैलेंसी के लिए क्या है, जो लास्ट है यू एम को रिप्लेस करेंगे आई सी के साथ, वो बन गया फेरिक। एफ ई के लिए हम यहाँ पे फेरस का वर्ड यूज करेंगे, और ये एस ओ फोर क्या है? सल्फेट। यहाँ पे क्या है? एफ ई फेरिक, और ये क्या था? सल्फेट। तो यहाँ पे हो गया फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। अगर आपको वेरिएबल वैलेंसी का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन फेरस सल्फेट एफ ई एस ओ फोर द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। इन फेरिक सल्फेट, ठीक है, एफ ई 2 SO4 थ्राइस द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। यहां तक हो गई इसकी एग्जाम्पल। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, आयरन का क्या नेम था? फेरम। ग्रीक नेम जो होता है इज मॉडिफाइड टू एंड, उसको एंड से हम किससे मॉडिफाइड कर देते हैं? ओ यू एस से, फॉर दी लोअर वैलेंसी। जैसे आयरन के केस में फेरम को हमने रिप्लेस कर दिया था ओ यू एस से उसके एंड को लोअर वैलेंसी के लिए। कौन सी वैलेंसी के लिए? 2 के लिए। हायर वैलेंसी के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट जो है उसको आई सी से रिप्लेस कर देते हैं, और वो फेरम बन गया था फेरिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर।